मुन्ना बदनाम हो रहा है इस बार? हाँ हो रहा है। आप हैं उसमें शामिल? मुन्ना है तो फिर मैं कहाँ से आऊँ? मुन्नी चेंज हो गई इस बार? मुन्नी तो मैं थी नहीं कभी। नहीं मैं पूछा यार कोई। ओके सोनाक्षी, यू नो जब हम रिमिक्स और रेट्रो की बात करते हैं तो अभी तो उसका जमाना ही है, ट्रेंड है, चाहे वो लुक हो या फिल्में हो, रिमिक्स वगैरह सब। लेकिन कोई एक ऐसी चीज जो आप चाहती है रेट्रो के टाइम की अब वापस रिटर्न आए? मुझे रेट्रो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है एंड आई थिंक एक्चुअली वो चीज़ें भी आ गई है वापस। हम बहुत सारे गानों का रीमेक भी कर रहे हैं, एक रीपैकेज करके, रीमिक्स करके आज के जनरेशन को सुना रहे हैं, तो वो आई थिंक आई रियली लाइक दैट ट्रेंड। और मैं खुश हूँ कि कुछ कुछ गाने जो शायद आज की जनरेशन ने नहीं सुना हो वो टाइम के, वो वापस लौट कर आ रहे हैं। सो आई लाइक दिस ट्रेंड दैट इज़ रिटर्न। लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी नहीं, वो स्पेकुलेशन जारी रहेगा, बट ऑफकोर्स एक अलग स्टोरी है, अलग कैरेक्टर्स भी आएंगे इस फिल्म में। हम आपको बार बार वही नहीं देना चाहते जो आप पहले देख चुके हैं, तो बहुत ही नई चीज़ें आएंगी और बहुत ही धमाकेदार, बट डोंट वरी, दबंग दबंग ही रहेगा और बहुत ही मज़ेदार रहेगा। हाँ जी, टॉकिंग अबाउट द आइटम सॉन्ग्स इन द दबंग सॉन्ग्स तो बहुत ही फेमस रहे हैं, चाहे वो पार्ट वन हो या पार्ट टू। इस दबंग थ्री के आइटम सॉन्ग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस अंदाज में आने वाला है दबंग थ्री का? आई थिंक अगेन इट विल बी वेरी 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 फन, बिकॉज वो एक वो एलिमेंट हो था ही हमारे फिल्मों में, दबंग के सीरीज़ में, जहाँ पर एक आर्टिस्ट आते हैं और यू नो दे डू द सॉन्ग फॉर द फिल्म। सो आई थिंक यहाँ भी इट बी लॉट ऑफ फन, और क्योंकि ये बार मुन्नी नहीं है, मुन्ना है, आई थिंक और भी ज़्यादा मज़ेदार होगा। एक लास्ट पक्का प्रॉमिस, फिर आप मुझे जाने दोगे? हाँ जी जी, दर्शकों के मन में आप हमेशा रहेंगे, ऐसे कभी नहीं जा पाएंगे। थैंक यू, वाह, आपको डायलॉग राइटर होना चाहिए था। द गोल्डन कलर, सोना कलर इज ऑलवेज फेवरेट विद यू, है ना? यू ट्राई टू इमेजिन इट, क्योंकि हमने कई बार देखा है आपको इस कलर में। जी, क्योंकि मैं हुई असली सोना। थैंक यू, बाय गाइस, थैंक यू।